जुडिशरी को के ऊपर इतने प्रेशर्स हैं कि अगर हम सिर्फ जुडिशरी पे डिपेंड कर जाए, जुडिशरी एक ऐसी चीज है कि वन वे, एक बार आप अंदर चले गए उसके अंदर तो वहां से जो जवाब मिलेगा वही आपको मांगना है उसमें बाकी वालों को, उसमें पॉलिटिशियंस, उसके अंदर माफिया, उसके अंदर जिनके अगेंस्ट में आपने कर रखा है, वो इतनी बुरी तरीके से आपस में एक लीग बना लेते हैं कि आप लोगों को वहां पर बहुत बुरी इतनी बार हाथ खानी पड़ता है। आप जुडिशरी को खाली हाईकोर्ट समझते हैं। हम लोगों का रिवाज था कि हम लोग 50 लाख कुत्ते हर साल मारते थे, डंडे से, जहर से, मोतीबाग में उनको अंदर फेंकते थे और एक हफ्ते भूखा रखने के बाद उनको उनके ऊपर पानी बाल्टी पानी फेंक करके उनको छूते थे बिजली के साथ, अच्छा जिंदा गाड़ते थे। इट वॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डूइंग दिस, आई मीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एवरी स्टेट। अब मुझे समझ नहीं आया क्या करूं। आई लॉस्ट माय इलेक्शन, आई डिड नॉट हैव एनी रोल टू प्ले इन पॉलिटिक्स एट ऑल, थैंक गॉड फॉर 5 ईयर्स। एंड इन दोज 5 ईयर्स आई क्रिएटेड द होल एनिमल मूवमेंट विद दिस वन थिंग कि कुत्तों को किस तरीके से हम कम भी करें लेकिन उनको मारे ना। So anyways, what did I do? I wanted a court order. Okay, मैंने डोरा पिटवाना शुरू कर दिया कि कोर्ट ने कहा, अदालत ने कहा कि कुत्तों को नहीं मारना। और यहाँ दिल्ली में, क्योंकि मैं उल्लू लगती, मैं चली गई बम्बई और वहां मैंने कहा कि देखिए दिल्ली में अदालत ने कहा, अब अदालत सब समझते हैं बड़ी अदालत तो उन्होंने म्युनिसिपल कमिश्नर ने उसी दिन कह दिया अच्छा बंद करो और पाउंड मुझे पकड़ा दिया। वहां से गई कलकत्ते में मिली ज्योति बागुत के साथ और कहा कि अदालत ने कहा, बम्बई ने भी रोक दिया तो उन्होंने कहा अच्छा तो हमारी भी हम भी रोक देंगे। एक मुझे 2 महीने खाली लगे भ्रमण करने में और फिर मैं दिल्ली वापस आ गया। मैं बाकी देश ने बंद कर दिया था तो भी ना बंद कर तो तब जाकर के बात हुई। तो इसलिए मैं कहती हूँ स्ट्राम डाम दंड भेद। एंड इट रियली इट वाज, आई हैड नो पोजीशन, आई हैड नो पार्टी, आई हैड लॉस्ट माय इलेक्शन फ्रॉम चंद्रशेखर जी पार्टी विच इज अ जीरो पार्टी। सो इट वॉज नॉट एज इफ आई वॉज इन सम स्ट्रक्चर। आई हैड नो मनी, I didn't have the money to even go on plane. I went because I was an ex-member of parliament, so I had so many free tickets piled up. That's all, and I just used them for the good. So I'm just trying to say कि जब आप अदालत की बात करते हो, आप बड़ी अदालत, forget high court, you go to that local court in हरिद्वार और उसकी जानकार और उसकी कोई चाचे के नाने के परदादे के नेवियो को ढूंढो और उसको बनाओ वकील और कदम करो मांगा। नहीं, मैं इसी चीज पे कहना चाहता था कि हम लोगों ने यही टैक्टिक्स यूज की जिसके अंदर में सबसे छोटी से छोटी अदालत पे गए, लेकिन जब एक जनरल कोई मामला आता है तो ठीक है, लेकिन जहां पर पॉलिसी मैटर्स के ऊपर आता है, जहां पर ऐसी चीजें हैं जिसमें माफिया से टक्कर लेनी पड़ती है, तो हम तो आप पॉलिसी पर जाओ ही मत ना, आप उस छोटे से दुकान को बंद करने के लिए दिखाओ, फिर उस छोटे से दुकान को बंद करो, फिर उस छोटे से दुकान, जब आपकी 8 दुकानें बंद हो जाएंगे तो 9वां खुद ब खुद आपके पैर पड़ करके दफा हो जाएगा। क्योंकि 30 साल के बाद में अब हमारी ये एक एक्सपीरियंस हुई है कि जब तक आपके साथ में पब्लिक नहीं है, एक मूवमेंट नहीं है, लोग आपके साथ में जुड़े नहीं है, और जब आपके पास में इतनी शक्ति नहीं है कि आप अपने यहाँ के लोकल मिनिस्टर को, लोकल नेता को ये बता दो कि अगर आपने जनता का काम नहीं किया तो नेक्स्ट टाइम आप इलेक्ट नहीं हो सकेंगे, अगर आपने नदी के ऊपर पानी के लिए काम किया नहीं हो सकेंगे तो आप सक्सेसफुल होंगे। अगर हम अपने को अपने जो नेगेटिव अनुभवों के आधार पर रोकते रहेंगे खुद ही डिमोरलाइज होके, आपकी बात भी सही है, ये नहीं मैं, हमने भी बहुत हारे हैं, बहुत से मैदान और कुछ जीते भी हैं, पर जो मैं एक आपको गुजारिश ये नहीं है, सबक सीखने की, सबक सीखे हैं, परंतु यू हैव टू गेट इन टू द बैटल विद विनर मेंटालिटी। तो ये उससे काफी फर्क पड़ता है कि जीतने के लिए ही मैदान में आप कूदे हैं, हारने के लिए नहीं। ये सब दिक्कतें आएंगी हमें मालूम है,